सात दिन के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार निकाला गया कैप्टन अंकित गुप्ता का शव। जोधपुर तक सागर में डूबे सेना के 10 पैरा यूनिट के कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मंगलवार को छठे दिन मिल गया। देर रात तक सागर पर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद सेना ने सुबह दिन निकलने के साथ एक बार फिर अपना अभियान शुरू किया। उनकी तलाश में चप्पा चप्पा छानने के लिए कैमरों की मदद ली जा रही थी। दोपहर में तलाशी अभियान के दौरान लापता कैप्टन अंकित गुप्ता का शव मिल गया। यहाँ बड़े बड़े कंप्रेसरों की मदद से जलाशय सतह के पानी को ऊपर उठाया गया। इससे बड़ी हिलोरें उठी। इन हिलोरों के साथ ही कैप्टन अंकित का शव बाहर निकाला गया। छह दिन पहले हेलीकॉप्टर से कूद तक सागर की गहराइयों में गायब हुए कैप्टन अंकित को खोज पाना बेहद जटिल हो गया था। सेना की कई विशेषज्ञ लगातार पानी से भरे तक सागर में उनकी खोज में जुटे थे। सर्च ऑपरेशन से जुड़े लोगों का मानना है कि पानी में डूबा कोई व्यक्ति अमूमन तीसरे दिन तक हर हालत में ऊपर आ जाता है, लेकिन कैप्टन अंकित के मामले में ऐसा नहीं हो पाया।